तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और मैंने आपको दिखाया, इतना मज़ा आया, पूरे रास्ते पूरा हाईवे दिखाया, ट्रेन भी बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत मज़ा आया और बहुत बढ़िया ट्रेन निकाल दी इन्होंने, क्योंकि ये जो सफ़र है ये अगर आप अपनी गाड़ी से करते हैं तो काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं और इसमें तो हमें पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया, और बहुत मज़ा आया। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी अगर आपको भी धर्मशाला आना है तो आप ट्रेन से आएँ पहले दिल्ली से अंदूरा तक और उसके बाद फिर टैक्सी ले लें। बहुत ही अच्छा सा सफ़र है, बहुत आराम से कटता है और ट्रेन बहुत बढ़िया है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा बहुत ही बढ़िया। आप तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और ये देखो ये मेरे होटल है, इसका रूम का व्यू बड़ा मस्त है, ये देखो है ना मज़ेदार, वाओ। रूम में यहाँ पर अलमीरा है और ये है वॉशरूम, वॉशरूम बहुत सुंदर है और नीट एंड क्लीन बहुत है, और ये है फ्रिज, ये है इस तरह से, और ये सामने ये टीवी है, ये देखो ये है टी और वाटर, और ये है इसको आप खोल सकते हो, ये देखो है ना, और ये है बेड, इधर है एसी, ये बेड है, इस तरह से रूम देख सकते हो आप मेरा, ये देखो रूम का लुक है ना, और इधर है बालकनी, बेस्ट पार्ट है इसकी बालकनी बहुत सुंदर है, ये देखो और व्यू देखो, और इस समय हो रही है बारिश बहुत प्यारा लग रहा है, देखो व्यू बहुत सुंदर है यार, बहुत ही प्यारा है, और बारिश हो रही है दबा के, व्यू देखो पूरा दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पर पूरा शहर वो हो गया फोग में, अमेजिंग है। और इस रूम का रेंट पर नाइट है 4,000 रुपीज़। अब हम निकल गए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है, योगेश इतने चालू हैं, इन्होंने अपने लिए तो देखो छाता ले लिया, और दो कन्याएं बेचारी अकेली और बिना छाते के लिए कि तुम चल लेके चलो, लेकिन ये लेके नहीं आए, तो छाता ही की लाए ना, कन्या स्ट्रांग है, कोई नहीं हम स्ट्रांग है, हम ले लेंगे एक नया छाता, मल्टी कलर टाइप कुछ बढ़िया सा, है ना भाई, ये बिक रहे बगल में। और हम निकल पड़े हैं बाजार का चक्कर लगाने के लिए, हमने कहा पैदल पैदल घूमेंगे क्योंकि वॉक करके जो मज़ा आता है ना मार्केट का वो अलग ही है, और हमने खूब एज़ यूजुअल जैसे हम एंजॉय करते हैं लाइफ को, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, खूब मस्ती से घूमते फिरते चल दिए हैं धर्मशाला के मार्केट में। ये है धर्मशाला का मार्केट, ये देखो आप, ये शॉप है यहाँ पर कपड़े की, इस तरह की दुकान है, सब कुछ है भाई, हर तरह की शॉप्स मिलेंगी, साइड हो जाओ, ये देखो सब्जियाँ, आम भाई, आम कैसा है, 100 रुपये बताओ, भिंडी देख कितनी बड़ी बड़ी, कहाँ गाँव की है, भाई साहब कितनी बड़ी भिंडी कैसे दिया ये, भिंडी देखो यार कितने बड़े बड़े, करेले देखो कितने बड़े बड़े, ओ भाई साहब, ओ चचिंडा देख कितना बड़ा, जुकीनी जिसे हम चचिंडा कहते हैं, ओ भाई कितना बड़ा है। इस तरह के गम बूट्स मिल रहे थे वहाँ बहुत अच्छे, रेनी सीजन के लिए देखो बहुत बढ़िया है, 650 की रेंज के थे, बहुत ही अच्छे थे। सब्जियाँ वगैरह का रेट तो ऑलमोस्ट दिल्ली जैसा ही है, लेकिन यहाँ मज़ा बड़ा आ रहा है, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ एकदम फ्रेश जैसे अभी तोड़ के लाए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मार्केट। और ये देखिए मार्केट में आपको एक म्यूज़ियम मिल जाएगा, म्यूज़ियम ऑफ कांगड़ा आर्ट धर्मशाला, ये भी आप देख सकते हैं, अभी हम तो मार्केट घूम रहे हैं। और इस तरह से ये देखिए सूट्स मिल जाएंगे, 50% डिस्काउंट ऑन समर सूट्स, हर तरह का ब्रांड और हर तरह का मार्केट है, काफ़ी सुंदर मार्केट है।
और ये है यहाँ का मॉल, धर्मशाला का में एक ही मॉल है मैक्सिमा मॉल, और ये है मॉल। ये देखिए हर तरह का फूड ब्रांड है, और भी चीज़ें हैं क्लोथिंग से रिलेटेड, कपड़ों से, हर चीज़ यहाँ पर है, और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। अच्छा बना हुआ है मॉल, छोटा है पर सुंदर है। मैक्सिमस मॉल, ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मेन रोड में ही है धर्मशाला के मार्केट में, और काफ़ी आउटलेट हैं यहाँ फूड के, और सारे बड़े बड़े आउटलेट हैं आपके पास, कपड़ों के अच्छे अच्छे ब्रांड, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम आ गए हैं मॉल के सामने ही चौराहे पे एक गोलगप्पे वाले के यहाँ। गोलगप्पा ट्रेक अच्छा बहुत टेस्टी है भाई, गले में लगने वाला तो नहीं लग रहा, और अंदर ना इसके छोला और आलू सब भरा है, थोड़ा ही स्वाद है, टेस्टी। और 20 रुपए की प्लेट है, उसमें 5 पीस हैं गोलगप्पे के, बहुत टेस्टी। शुभ्रा कैसे लगे? टू गुड। शुभ्रा का गला कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन फिर भी खा गई, बहुत टेस्टी। और ले लिया मैंने, हाँ भैया मजबूरी है, वरना अभी तक तो 2-3 खा ही लेती मैं प्लेट। सही बताओ, बहुत ही बढ़िया है राम चाट भंडारो। हमने हाई गोलगप्पे बहुत ही मज़ेदार थे भाई, धर्मशाला के चौक पे, और खूब गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, लोगों की भीड़ है बहुत। ये सामने मॉल दिखेगा आप, ये देखो इस चौक पे है, वो मोमोज है, ये चाट है, सब कुछ बढ़िया। हमने बड़ा मज़े से गोलगप्पे खाए, मोमोज खाए, टेस्टी गोलगप्पे, इतने टेस्टी कि मैंने मज़ा आ गया भाई, इतना ऑथेंटिक हर चीज़, आटे के बहुत बढ़िया थे। और धर्मशाला के खूबसूरत व्यू का मज़ा लेते हुए और थोड़ी सी मस्ती करते हुए हम लोग घूम रहे थे पूरा मार्केट, और हम पैदल पैदल पूरा धर्मशाला का पूरा मार्केट से घूमते हुए बहुत ही मज़ा करते हुए। और अब हो गई है थोड़ी सी शाम, हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है विनोद किचन, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जगह जगह लामाज भी मिल जाएंगे। और हमने यहाँ पर कुछ खाया पिया, खूब मज़ा किया यहाँ पर, हमने अच्छे से खाया, और ये विनोद किचन के नाम से हर चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ पे, ड्रिंक्स भी है हमने, और पहले मोमोज खाए और गोलगप्पे खाए, सब चीज़ें बड़ी ऑथेंटिक थी और बड़ी टेस्टी थी, खूब मज़ा किया हमने। और ये सब काफ़ी रश भी है इसीलिए, क्योंकि इसकी काफ़ी चीज़ें सब अच्छी है, व्यू बहुत मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब रात हो गई है, अब जा रहे हैं होटल की तरफ, कल मिलते हैं आपसे, बाय। और ये वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी जो हमें बहुत ही मज़ेदार लगा, उनका एक यूनिक स्टाइल था लोगों को अट्रैक्ट करने का। ये देखिए एक सिंगर थे जो बहुत ही अच्छी आवाज़ में गाना गा रहे थे, लग प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। इस तरह पूरे मार्केट का मज़ा करते हुए और वॉकिंग हमने बहुत ही मज़ा किया, पूरा धर्मशाला का मार्केट घूम लिए पैदल, बहुत मज़ा आया, वॉक भी हो गई और इन्जॉय किया। अब रात होने को है, अब आ चुके हैं अपने होटल में, रूम में रेस्ट करते हैं। कल का दिन हम क्या करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहेगा, स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर, बाय बाय। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और सेकंड वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए।